हेलो दोस्तों, आरजे वीकेंड वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के रेसिपी में हम वेज टिप्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो रेसिपी के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू, कैरेट, चॉप्ड ऑनियन, चीज़, स्वीट कॉर्न एंड ग्रीन पीस एंड ब्रेड क्रम्स। ये जो है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। उसके बाद में हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे जिसमें हम ऑल वेजेस फ्राई कर लेंगे। उसमें हम एक के बाद एक ऑल द वेजेस हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम चॉप ऑनियन ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हम कैरेट इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन पीस एंड स्वीट कॉर्न और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर। वन टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। टू टीस्पून ऑफ चिल्ली पाउडर। और स्वाद के अनुसार सॉल्ट, आपको जितना चाहिए उतना सॉल्ट आप डाल सकते हैं। होने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मिक्स करते ही वेजेस अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद में हम इसमें स्मैश्ड पोटैटो ऐड करेंगे। स्मैश पोटैटो ऐड करते ही इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्मैश पोटैटो अच्छे से मिक्स होते ही हम इसमें ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे। जो चीज़ ऐड कर रहे हैं ये फ्लेवर के लिए हम ऐड कर रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चीज़ ऐड होते ही उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और मिक्स होने के बाद हमारा स्टफिंग अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टफिंग, रेडी हो चुका है। स्टफिंग रेडी होते ही हम इसको निकाल के एक कंटेनर में या एक प्लेट में निकाल के इसको हम 4 to 8 आवर्स के लिए फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो 8 घंटे के बाद आप देख सकते हो स्टफिंग कैसे बन चुका है। मेरा जो स्टफिंग है ये देखिए, स्टफिंग पूरा रॉक की तरह बन चुका है। तो इसको हम स्लाइसिस में काट लेंगे। आप जिस शेप में चाहते हो उस शेप में आप कट कर सकते हो। स्लाइसिस बनते ही हम वेज स्ट्रिप्स के लिए पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। हम जितना मैदा लेंगे उसी क्वांटिटी के हिसाब से कॉर्नफ्लोर भी लेंगे। तो मैंने इसमें 3 टीस्पून ऑफ मैदा और 3 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए ताकि जो हमने स्लाइसेस कट की है उसके ऊपर ये जो पेस्ट है वो लगना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस पेस्ट का कंसिस्टेंसी कैसे होना चाहिए, तो इस हिसाब से पेस्ट बनाएं। फाइनली पेस्ट बनते ही हम लेंगे ब्रेड क्रम्स।
ताकि जो स्लाइसिस है वो पेस्ट में मिक्स करके हम ब्रेड क्रम्स में उसको डुबा के फिर फ्राई कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स ऐसे क्रिस्पी होने चाहिए। तो स्ट्रिप्स को फ्राई करने के लिए हम कोई कढ़ाई या जो भी आपके पास कंटेनर है वो लेके उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो, और जो ऑयल है उसको हम मीडियम फ्लेम में ही गरम करना है। ये मैंने स्लाइसिस लिए है और उसके ऊपर मैं पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, और उसमें या तो डिप कीजिए या तो ऊपर से स्पून से थोड़ा उसको पेस्ट लगाइए, और उसके बाद में ब्रेड क्रम से उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जो स्लाइसिस है वो टूटने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उसको धीरे से हैंडल करना पड़ता है। ये देखिए मैंने एक बनाया है और मीडियम फ्लो ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। एंड में मैंने कोई मेरे लर्निंग्स डाले हैं, अगर आपको टाइम रहा तो आप देख सकते हो या तो फिर आप स्किप्स कर सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो ये हमारा क्रिस्पी वेज स्टिक्स रेडी हो चुका है। इसको आप चिल्ली सॉस, सिजवन सॉस, मायोनेज सॉस या किसी भी सॉस के साथ ले सकते हो। आगे देखेंगे मेरे लर्निंग्स। तो लर्निंग्स में मैंने देखा कि ये देख सकते हो कि मैंने जो कंटेनर में है वो लो फ्लेम में रखा है, और मैं ऊपर दिखा रहा हूँ वो हाई फ्लेम में, तो पूरा काला बन चुका था, और ये जो है वो मीडियम फ्लेम में है। तो आप देख सकते हो अगर आपका हाई फ्लेम है तो पूरा काला बन जाता है, और लो फ्लेम में है तो पूरा स्ट्रिप्स फट जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।